चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहां चार विकल्प है, यहां पे एक संख्या गायब है, आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन है 7, 12, 50, 10, 11, 53, 12, 15 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा क्वेश्चन मार्क पे, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। बड़ी संख्या कहां पे है, बड़ी संख्या दाहिने की तरफ है। देखिएगा आप देख रहे हैं इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 50, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 53, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या इनमें से होगी, क्योंकि 12 15 से सारे ऑप्शन बड़े हैं। तो प्रश्न हो गया अब आसान। अब आपको बस ये सोचना है ना कि 7 12 को क्या करे कि 50 हो जाए, क्या 7 12 को क्या करे कि 50 हो जाए। और ऐसे ही सोचना है आपको 10 और 11 को क्या करे कि 53 हो जाए, उसी प्रकार से 12 15। देखिए अगर देखिए 7 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 12 19 होगा, लेकिन ये क्या है 19 होगा, लेकिन ये क्या है 50 है। अगर 19 का हम 3 गुना कर रहे हैं, 19 3 57 57 हो गया, और इसमें से 7 माइनस करेंगे क्योंकि 50 करना है, ठीक है। अगर 11 और ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे समझिएगा, अगर 10 और 11 को अभी देखिए 10 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 63 होगा, और यहां पर हमें 53 करना है, यानी इसमें 7 घटा है तो इसमें क्या करेंगे 10 घटा दीजिए, ठीक है, पहला संख्या 10 घटाएंगे तो ये 53 हो जा रहा है। अच्छा अगर 12 15 जोड़ दे, 12 15 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12 15 27, 27 का 3 गुना करेंगे तो 81 होगा, और 81 में क्या घटाएंगे पहला संख्या यानी कि 12 घटाएंगे तो 11 में से दोस्तों 9 2 जा 9 और 7 में से 1 जा 6, 69 आंसर क्या हुआ 69। सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप। एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।